अस्सलाम वालेकुम। मैंगोस एक ऐसी चीज है जिसका हमें साल भर इंतजार होता है, मतलब आम की खुशबू से ही दिल खुश हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा माउथ वाटरिंग मैंगो मस्तानी। अगर आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया हुआ है तो आपने बहुत ही टेस्टी ड्रिंक मिस की है, तो जल्दी से ट्राई करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेटअप देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि मतलब हर जगह आम ही आम है। ऑब्वियसली खाने में तो मजा आएगा ही, लेकिन देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो मस्तानी। तो इधर मैंने दो आम ले लिए हैं जिसका छिलका निकाल के मैंने रफली चॉप कर लिया है, और एक आम को मैंने इस तरह से चंक्स में कट कर लिया है। इसको मैं गार्निशिंग में यूज करूंगी। अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए आम। आम ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। अगर आपके आम बहुत ही मीठे हैं तो आप शुगर स्किप कर लें। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 कप ठंडा दूध। अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये देखिए हमने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी 2 स्कूप्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम, और अब हम इसको एक और बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब ये देखिए हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट इसको एक सर्विंग ग्लास लेंगे और असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सर्विंग ग्लास ले लिया है, और अब हम इस ग्लास को रूह अफ़ज़ा के साथ इस तरह से कोट कर लेंगे। दिखने में तो खूबसूरत लगेगा ही, लेकिन टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे मैंगो चंक्स एंड 2 स्पून्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम। आइसक्रीम ऐड करने के बाद इसमें हम मैंगो जूस ऐड कर देंगे, एंड फाइनली इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे 2 स्कूप्स ऑफ वेनिला आइसक्रीम। इसके बाद हम थोड़े से मैंगो चंक्स से गार्निश कर लेंगे, और थोड़े से बादाम एंड पिस्ता भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मैंगो मस्तानी बिल्कुल रेडी है। इस मैंगो मस्तानी की ग्लास को देख के शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने आप को रोक सकेगा। तो बिना देरी किए जल्दी से बनाइए और मस्त में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आज की ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज।